हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची का सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार और अराकीन कुछ देर में यादगार शोदा पर हाजिरी देंगे। इससे भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शोदा जाने वाले रास्ते सील, कंटेनर्स और ब्लॉक्स लगा दिए गए। यादगार शोदा के एट गेट पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। फारूक सत्तार के शिकवे के बाद मुस्तफा कमाल जवाब शिकवा के लिए तैयार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुफाहमत की फजा कायम रहेगी या फिर मुखास होगा, सबको है इंतजार। परवेज मुशर्रफ को मुतबादिल लीडर के तौर पर सामने लाने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गई। साद रफीक ने साफ कह दिया, बोले सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का मशगला तर्क करना होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन इंजीनियर मिलाप 24 घंटे में नाकाम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज डेरा गाजी खान में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। स्टेज की तैयारी जारी, पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। भंगड़े इंसदाद दहशत गर्दी अदालत हरिपुर में मशाल खान कत्ल केस की समाअत आज फिर होगी। आज मजीद 3 गवाहों के बयानात कलम बनाएंगे। पंजाब आज भी शदीद धुंध की लपेट में, जमीनी और फजाई ट्रैफिक मुतासिर, स्मोक आंखों के अमराज में इजाफा, आवाम परेशान। रहीम यार खान में ठटरती सर्दी में भी सरकारी स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर, जबकि महकमा तालीम की जानिब से कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं। चिराग तले अंधेरा, इस्लामाबाद सेक्टर F10 में मॉडल स्कूल सिर्फ ना की मॉडल। चार दीवारी का एक हिस्सा गिर चुका मगर कोई तवज्जो देने वाला नहीं। स्कूल की सिक्योरिटी पर सवाल या निशान लग गया। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे खोखले निकले। सुवात के इलाके तख्तैबंद में सरकारी स्कूल की इमारत से महरूम बच्चे किराए की दुकानों में बैठकर इल्म की प्यास बुझाते हैं। सऊदी हुकूमत का पति शहजादे वलीद बिन तलाल समेत 7 आला अहदेदारों को रिहा करने का फैसला। रिहाई अदम सबूत की बिना पर दी जा रही है सऊदी मीडिया। सऊदी अरब लबनान पर जंग मुसल्लत कर रहा है और इसराइल को लबनान के खिलाफ उकसा रहा है। हिजबुल्लाह के कायद हसन नसरुल्लाह का इल्जाम, ये भी कहा कि सऊदी अरब ने लबनानी वजीर आजम साद हरेरी को यरगमाल बना रखा है। वियतनाम में डिनर के मौके पर अमरीकी और रूस